के सागौर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा दरिंदगी का मामला सामने आया, जहां चोरी के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया। सागौर थाने से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित निर्माणाधीन कंपनी राज रतन ग्रीन प्रोडक्ट्स में चौकीदार अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। बीती रात कंपनी में 10 से 12 नकाबपोश बदमाशों में चोरी की नीयत से 12 बजे कंपनी में धावा बोल दिया। इसी बीच एक बदमाश ने चौकीदार की पत्नी के साथ चौकीदार के सामने ही बलात्कार किया और विरोध करने पर जला देने की धमकी देने लगा। इस घटना के बाद दोनों को कमरे में बंद करके एक सफेद कार में सभी फरार हो गए। सुबह एक दूध वाले की मदद से बाहर निकले चौकीदार ने कंपनी मालिक से संपर्क कर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बदमाश बिजली की डीपी से तांबे के तार, प्लेटें और कटर मशीन आदि करीब 2 लाख का सामान भी चुरा ले गए। इस घटना के बाद धार एसपी आदित्य सिंह मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस ने रेप करने वाले बदमाश के साथ अन्य पर चोरी और गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन के चलते इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी सरगर्मी से फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर बताइए सर, किस तरह का मामला सामने आया है? देखिए, ये कल रात की घटना है, जिसमें अभी सुबह के समय 10:30 बजे 11 बजे के आसपास फरियादी लोग थाने पे आए थे। उसमें इनका इन्होंने ये बताया कि कल रात को फैक्ट्री पे लोग चौकीदारी करते हैं, चौकीदारी व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, और रात को करीब 10-12 लोग फैक्ट्री के प्रमाइस में घुसे और उन्होंने चोरी की, और उसके बाद उसकी वाइफ का साथ एक व्यक्ति ने जो है इंजीनियर किया, तो इसमें भी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और कर लिया है। देखिए, क्योंकि हालांकि रेप रेप नहीं किया, परंतु और भी साथी दान साथ में थे, इसलिए हमने गैंग रेप की धारा में अपना मामला पंजीबद्ध किया है। और अभी जो मशरूका है वो अभी फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वो उनसे असेस करने के बाद क्लियर हो।